मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी को। आज का चैप्टर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप देख सकते हैं उस चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्स। मिनरल एंड पावर रिसोर्स मतलब कि खनिज और ऊर्जा संसाधन। यस, खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये हमारे लेसन का नाम है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, ओके। तो देखिए मिनरल क्या होते हैं, एक्चुअल में मिनरल क्या होता है, तो मिनरल की मीनिंग लिखी हुई है। देखिए मिनरल क्या है, व्हाट इज मिनरल, ठीक है, व्हाट इज मिनरल, तो मिनरल क्या है आप देख सकते हैं, ठीक है, जिस पे लिखा हुआ है इसकी मीनिंग भी। मिनरल इज ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, कि मिनरल, यस, मिनरल क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि अर्थ के अंदर अपने आप ही तैयार होते हैं, अपने आप ही बनते हैं, और ठीक है, दैट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, और मिनरल की अपनी खुद की केमिकल कंपोजिशन होती है, उनका अपना टेक्सचर होता है, अपना एक जो है उसकी हार्डनेस होती है, ठीक है। तो मिनरल क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। भाई जिस सब्सटेंस की अपनी खुद की कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है तो वो मिनरल कहला रहा है, इट इज कॉल्ड मिनरल, मिनरल्स, ठीक है, वो मिनरल कहला रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अर्थ के नीचे जो भी चीज हम निकालेंगे और उसका यूज करेंगे बाद में वो मिनरल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मिनरल कहलाएगा, ओके। तो देखिए इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए मिनरल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए मिनरल, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कि गोल्ड कैसा है, सिल्वर क्या कैसे होती है, या मिनरल में कोल भी हो सकता है, तो उन सबकी क्या अपनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सबकी अपनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है और केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है, देखो दोनों चीजें मैंने लिखी हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी केमिकल प्रॉपर्टी भी, दोनों टाइप की उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो जो वर्क करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मिनरल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मिनरल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होगा मिनरल का, कलर, हर एक मिनरल का अलग अलग, मिनरल का अलग अलग कलर, ठीक है, होमोजेनियस जो कि सेम, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, होमोजेनियस मतलब कि सेम प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सेम सी, मतलब बिल्कुल 100% सेम तो नहीं लेकिन 90-80 मतलब वो सेम मिलेंगे तो होमोजेनियस हो गया, ठीक है, उसके जैसे ही होंगे। जैसे कि मान लो मेटल्स हैं, तो मेटल मिनरल जो होती है उनकी बहुत सारी क्वालिटी आपस में मिलती है, जैसे कि जो गोल्ड के भी जो है वायर बनाई जा सकती है, आयरन की भी वायर बनाई जा सकती है, कॉपर की भी वायर बनाई जा सकती है, तो एक जैसी क्वालिटी होगी ना, हाँ एक जैसी क्वालिटी हो गई, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आइडेंटिफाई उसको कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कलर, सब मेटल्स का और सारे मिनरल्स का कलर अलग अलग होता है, जैसे गोल्ड का कलर येलोइश होता है, कोल यानी कि कोयला काला होता है, कोयला भी तो मिनरल है और गोल्ड भी मिनरल है, आयरन यानी कि लोहा, लोहे का कलर भी ब्लैक होता है, ठीक है, जब रस्टिंग हो जाती है लोहे में तो वो येलो और रेड कलर का हो जाता है, तो कलर अलग अलग होते हैं। तो कलर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मिनरल की फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके। अब डेंसिटी की बात कर लेते हैं, डेंसिटी मतलब कि जो डेंसिटी मतलब वो कितनी जगह घेर रहा है, जैसे मान लीजिए कि आयरन है वो पिघल जाएगा तो कितनी दूर में फैला सकते हो आप उसको, कोल को नहीं फैला सकते, कोल की डेंसिटी उसका अकॉर्डिंग कम हो जाएगी, मतलब इसके फैलाव डेंसिटी उसकी कितनी है, घनत्व कितना है उसका, ठीक है। फिर उसकी हार्डनेस देखी जाएगी, जैसे कोल होता है, कोल ज्यादा हार्ड नहीं होता, डायमंड सबसे हार्ड होता है, डायमंड सबसे प्लेटिनियम हार्ड होते हैं ये, और कोल बहुत नरम होता है, तो उसकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किसके अकॉर्डिंग, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिजिकल प्रॉपर्टी में समझ आ गया, तीन चीजें होती है मेन, किसी भी मिनरल को पहचानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए तीन चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी में देखी जाती हैं, पहला उसका कलर, दूसरा उसकी डेंसिटी और तीसरा उसकी हार्डनेस, मतलब कि कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है ये देखा जाता है, ओके। अब दूसरी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, हाँ जी, कोल, बिल्कुल कोल मिनरल है, कोल मिनरल है बिल्कुल, जमीन से कोल यानी कोयला, जैसे ये लकड़ी वाला कोयला नहीं, मैं आपके लकड़ी वाले कोयले की बात नहीं कर रहा कि भाई जो पेड़ों से आपने लकड़ी जलाई वो कोयले नहीं है, वो तो जमीन के
अंदर दबा हुआ कोयला है जो कि पत्थर जैसा भी हार्ड होता है कई बार, लेकिन अगर लोहे से उसको तोड़ना चाहे, हथौड़ी से तोड़ना चाहे तो वो टूट कर बिखर जाएगा, है ना। तो हार्डनेस, यस हाँ, पहले भी मैंने एक बार पढ़ाया था बेटा, एक बार, यस ठीक है, ओके। तो देखिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी मतलब कि इस केमिकल प्रॉपर्टी सोलिबिलिटी। जैसे कि आप देखोगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम को और पावरफुल बनाने के लिए उसमें मिक्स किया जाता है, तो जिस मेटल में मिक्स किया जा सके कुछ भी, सोलिबिलिटी मतलब कि एक मिनरल जो दूसरे के साथ मिक्स हो सकता है तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। जो मिनरल मिक्स नहीं हो सकते उनके अंदर फिर वो सोलिबिलिटी वाली क्वालिटी नहीं है। सोलिबिलिटी का मतलब होता है वो एक मिनरल के साथ दूसरा मिक्स हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप कई बार देखोगे मैग्नीज मिक्स किया जाता है आयरन के अंदर तो स्टील बन जाता है, मैग्नीज जब आयरन के अंदर मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है, तो वो क्या हो गई, उसकी सोलिबिलिटी हो गई, आयरन की और मैग्नीज की क्या हो गई, सोलिबिलिटी। तो इसके अकॉर्डिंग उनको पहचान सकते हैं, बहुत सिंपल बेटा। देखो केमिकल जो मिनरल होते हैं, मिनरल क्या होते हैं, जमीन से नेचुरली अक्री सब्सटेंस दैट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, उनकी कलर डेंसिटी हार्डनेस और सोलिबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, किसी में सोलिबिलिटी मिलती है किसी में नहीं मिलती। अब देखो मिनरल्स को दो टाइप में यहां बांटा गया है, जितने भी मिनरल है जो जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं, जमीन से माइनिंग करके निकाले जाते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक यानी कि धातु जिनके अंदर मेटल मिलती होगी, और नॉन मेटेलिक जिनके अंदर मेटल नहीं मिलती होगी। मेटेलिक मतलब धातु मिलेगी और नॉन मेटेलिक मतलब धातु नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखिए मेटल को भी दो हिस्सों में बांट सकते हो आप, मेटल के जो मिनरल होते हैं ना, जैसे मान लो लोहा हो गया, चांदी हो गई, गोल्ड हो गया, तो इनको भी दो पार्ट में बांट सकते हो, ठीक है, इनको भी दो पार्ट में। जैसे एक तो हो गया फेरस मेटल, फेरस मेटल, दूसरा हो गया नॉन फेरस मेटल। तो मेटेलिक मिनरल को भी दो पार्ट में बांटा जा सकता है, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल, ठीक है। तो देखिए अब इनकी मेटेलिक मिनरल की भी और खासियत होती है, देखो लास्ट में लिखा हुआ है बिल्कुल कोने में, ये कंडक्टर होते हैं। मेटेलिक मिनरल जितने भी होते हैं वो हीट यानी कि हीट अब्सॉर्ब कर सकते हैं, गर्मी यानी कि आप उसको चूल्हे पे गर्म करना चाहोगे, गैस पे गर्म करना चाहोगे तो गर्म हो जाएंगे और वो हीट फैल जाएगी। तो दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी आ सकती है, पास हो सकती है, और हीट भी पास हो सकती है। वो सारे क्या होंगे, मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल समझ में आ गया, दो टाइप के होते हैं, फेरस जिनके अंदर लोहा मिलेगा और नॉन फेरस जिनके अंदर लोहा नहीं मिलेगा। अब मैं कॉपर की बात करता हूं, कॉपर के अंदर लोहा है नहीं है, गोल्ड, गोल्ड के अंदर लोहा है नहीं है, ठीक है, गोल्ड और इसके अंदर नहीं होता, सिल्वर के अंदर भी नहीं होता। तो जिसके अंदर फेरस यानी कि लोहा नहीं होता वो नॉन फेरस मिनरल हो गया, और जिसके अंदर लोहा होता है जैसे आयरन खुद फेरस है वो, ठीक है, तो उसके अंदर फिर वो फेरस बन जाएगा। इस तरह से मेटेलिक मिनरल दो टाइप के होते हैं, फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल, मतलब लोहे वाले मेटल्स और एलोह धातु, लोह धातु और एलोह धातु, यानी कि फेरस मिनरल मतलब लोहे वाली धातु और नॉन फेरस मतलब, हाँ जी हाँ बिल्कुल, नेम में फेरस मिनरल, अच्छा आयरन, देखो बिल्कुल जैसे कि बहुत सारे, जैसे मैग्नीज हो गया, मैग्नीज में लोहा नहीं है, मैग्नीज अलग हो गया, तो मैग्नीज जब मिक्स करेंगे आयरन में तो वो क्या बन जाएगा, स्टील बन जाएगा। मैग्नीज अलग हो गया ना, फेरस अलग हो गया, मैग्नीज अलग हो गया, लेकिन जब इनको मिक्स करेंगे तो वो फेरस बन जाएगा। हाँ कॉपर तो नॉन फेरस है, कॉपर नॉन फेरस है, यस कॉपर तो नॉन फेरस है, उसके अंदर लोहा नहीं मिलता, कॉपर के अंदर नॉन फेरस है वो, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, यानी कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक की, यस आ जाएगी बेटा, थोड़ी नेटवर्क इश्यू है। अब नॉन मेटेलिक की बात कर रहे हैं, नॉन मेटेलिक यानी कि अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज जिनके अंदर धातु नहीं होती, तो भाई नहीं होती, देखो लाइमस्टोन पत्थर जो होता है, संगमरमर का पत्थर कहां होता है, उसमें लोहा नहीं होता, ना गोल्ड होता है, ना कॉपर होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। माइका, माइका में भी नहीं होता, जो कि खंभों के ऊपर, बिजली के खंभों के ऊपर लगाई जाती है, बिजली के खंभों के ऊपर देखा होगा ना आपने, ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की होती है। अभी जिप्सम का पत्थर देख लीजिए, इससे सीमेंट तैयार की जाती है, सीमेंट
सीमेंट जिप्सम के पत्थर से तैयार की जाती है। तो लाइमस्टोन, माइका और जिप्सम, इनके अंदर क्या नहीं होता, मेटल नहीं होती। और इसके अलावा फ्यूल के जो मिनरल है जैसे पेट्रोलियम और कोल, इनके अंदर भी मेटल नहीं होती। तो जिसके अंदर मेटल नहीं होती वो नॉन मेटेलिक कहलाएंगे, वो नॉन मेटेलिक कहलाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। मिनरल के दो टाइप होते हैं, मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, फेरस और नॉन फेरस। ये कंडक्टर हीट के भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। और नॉन मेटेलिक को जो है, नॉन मेटेलिक में जिसमें मेटल नहीं होती उसको कहते हैं यस, कोल नॉन मेटेलिक। यस, कोल नॉन मेटेलिक मिनरल है, बिल्कुल कोल नॉन मेटेलिक मिनरल है, उसमें मेटल नहीं होती। यस, जिप्सम, जिप्सम सेडिमेंटरी रॉक से मिलता है। जिप्सम का पत्थर जो होता है जिसे सीमेंट बनती है वो सेडिमेंटरी से मिलता है, अवशादी चट्टानों से, सेडिमेंटरी रॉक से मिलता है हमें। और लाइमस्टोन भी उसी से मिलता है। यस, माइका, माइका क्या होती है बेटा, माइका वो होती है जो जो हाई रेजिस्टेंस करंट वायर को संभाल सकती है। आपने देखा होगा ना बिजली के खंभों पर बड़े बड़े वो मिट्टी के जैसे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक लगे होते जो तार को खींच कर रखते हैं, हाई रेजिस्टेंस करंट को सहन कर सकते हैं, जो कि हाई रेजिस्टेंस यानी कि हाई वोल्टेज करंट को सहन कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, माइका होती है। वो उसमें उसको जो करंट को अपने अंदर पास नहीं होने देती और हाई वोल्टेज को सहन कर लेती है माइका। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। और कौन सा नॉन मेटेलिक, पेट्रोलियम और कोल। ठीक है, पेट्रोलियम क्या होता है, जिसमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। माइका भी, माइका जो होती है वो भी आप सेडिमेंट्री से लोगे, सेडिमेंट्री से ही मिलेगी। हाँ यस, स्टेनलेस स्टील भी फेरस मिनरल का एग्जांपल। यस, स्टेनलेस स्टील होती है वो भी फेरस का एग्जांपल होती है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, फेरस मिनरल में आएगी। ओके, तो ये दो चीज समझ में आ गया हमें आराम से, कौन सी, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। ओके, अब देखते हैं मिनरल निकालते कैसे हैं, मिनरल को जमीन से निकाला कैसे जाता है, ये देखते हैं हम। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, जमीन से मिनरल कैसे निकाला जाएगा, तीन तरीके से निकाला जाता है, माइनिंग की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है और क्वेरिंग की जाती है। बहुत सिंपल सी बात है, माइनिंग करना, ड्रिलिंग करना और क्वेरिंग करना। ठीक है, देखो सिंपल सी बातें, पहले मैं एक एक करके उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। माइनिंग क्या होता है, खान खोदना, जैसे जमीन खोदते हैं ना, जैसे जो चूहे होते हैं वो बिल खोद लेते हैं, जैसे चूहे बिल बनाते हैं, जैसे कि चूहे बिल बनाते हैं, जैसे कि शेर गुफा के अंदर रहता है, तो ऐसे माइनिंग की जाती है, माइनिंग। ठीक है, जमीन को खोदा जाता है और उसको खोदकर उसमें से क्या निकाले जाते हैं, मिनरल निकाले जाते हैं। ये दो तरीके से माइनिंग होती है, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, मतलब ओपन कास्ट का मतलब है थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से हटाई और खोदना शुरू कर दिया, खड्डा कर दिया, थोड़ी सी मिट्टी हटाई, थोड़ी सी मिट्टी हटाने के बाद खड्डा कर दिया, खड्डे से मिनरल निकालना शुरू कर दिया, तो वो क्या हो गया, ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, और फिर उसके बाद शाफ्ट ड्रिलिंग का मतलब है खड्डे में और गहराई से उसको खोदा गया, और भी उसको गहराई से माइनिंग की गई, उसके अंदर मशीनों का यूज किया गया बड़े लेवल पे और अंदर तक खोद दिया उसको, है तो वो माइनिंग ही, लेकिन गहराई तक चले गए। अगर गहराई तक चले गए तो शाफ्ट माइनिंग हो गई, और ऊपर ऊपर से खोदा है तो क्या हो गया, ओपन कास्ट हो गई। सीधी सिंपल सी बात है, वर्ड खुद बता रहे हैं आपको, जो वर्ड है ओपन कास्ट मतलब कि ऊपर से मिट्टी हटाई है, कुछ एक मीटर, दो मीटर, तीन मीटर मिट्टी हटाई और खोदना शुरू कर दिया, तो वो ओपन कास्ट माइनिंग हो गई। फिर अगर और अंदर गहराई पर चले गए तो शाफ्ट माइनिंग हो गई। तो माइनिंग दो टाइप की हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रिलिंग की। ड्रिलिंग की, ड्रिलिंग क्या होती है, ड्रिलिंग क्या होती है, जैसे पेट्रोलियम निकालना हो हमें, तो पेट्रोलियम तो बहुत नीचे मिलेगा, उसको खड्डा नहीं खोदा जा सकता, उसमें तो फिर बोर करनी पड़ेगी अपने को, बोर, नीचे से पानी निकालने के लिए बोर करते हैं ना, वैसे उसके अंदर बोर करनी पड़ेगी नीचे तक, 100 फुट, 200 फुट, 300 फुट, 400 फुट तक हमें क्या करनी पड़ेगी, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी नीचे, और फिर उसमें पाइप डालने पड़ेंगे, फिर पाइप डाल के फिर आप क्या निकालोगे, पेट्रोलियम निकालोगे। ठीक है, तो वो क्या हो गई, ड्रिलिंग हो गई। तो ड्रिलिंग माइनिंग से बिल्कुल अलग है, वो तो बोर की जा रही है जमीन में नीचे, बहुत नीचे तक पाइप डाल के और पेट्रोलियम को निकालेंगे हम, तो ड्रिलिंग हो गई। और तीसरे वाली हो गई क्वेरिंग।
क्वेरियन क्या होते हैं, जैसे पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ बिल्कुल ऐसे पहाड़ खड़े हुए हैं, तो पहाड़ को ऊपर से तोड़ना शुरू कर दिया, ना तो हमने खान खोदी, ना हमने ओपन कास्ट किया, ना हमें शाफ्ट माइनिंग की, बस पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया पत्थर के लिए। पत्थर से सड़क के पत्थर नहीं होते, पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर उनके छोटे छोटे पत्थर बनाए जाते हैं। हाँ जी, तो ओपन कास्ट माइनिंग सर मोस्ट थिंग्स, हाँ बिल्कुल शाफ्ट माइनिंग से मिल जाती है, शाफ्ट माइनिंग से निकालते हैं, लेकिन ओपन कास्ट माइनिंग भी कई जगह पर करनी पड़ती है। कोल निकालने के लिए ओपन कास्ट माइनिंग होती है, कोल और शाफ्ट माइनिंग कोल निकालने के लिए होती है, कोयला नहीं होता, कोयला कोयला निकालने के लिए और लोहा निकालने के लिए होता है, आयरन और कोल निकालने के लिए ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग की जाती है, और पेट्रोलियम निकालने के लिए ड्रिलिंग की जाती है, और कंकर पत्थर यानी कि पहाड़ के पत्थर तोड़कर उसको रोड बनाने के लिए जो पत्थर निकाले जाते हैं वो, हाँ ज्यादातर माइनिंग का मेथड यूज किया जाता है। पत्थर तोड़ने के लिए तो क्वेरिंग हो गया, ऊपर के पहाड़ के पत्थर तोड़ लिए हमने और वो तो क्वेरिंग हो गया, अंदर पेट्रोलियम निकालोगे तो ड्रिलिंग हो गया, और भाई कोयला और जो आयरन निकालना हो तो वो माइनिंग हो गया। तो माइनिंग ज्यादा यूज होती है, माइनिंग आप देखोगे आयरन वगैरह और कोल वगैरह निकालते ज्यादा यूज होती है, ये बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मिनरल कहाँ कहाँ मिलते हैं। अभी तक 2800 टाइप के मिनरल ढूंढे जा चुके हैं। देखो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ड्रिलिंग के नीचे ही क्वेरिंग के नीचे लिखा हुआ है 2800 टाइप ऑफ मिनरल ढूंढे जा चुके हैं अभी तक। इतने टाइप के मिनरल मिल चुके हैं और उसमें से 100 तो और मिनरल हैं, और मिनरल जिनके अंदर मिक्स होता है, जैसे कि आयरन के अंदर आयरन मिक्स हो गया, मैग्नीज ऐसे मिक्स करके जो कोई चीज, क्योंकि अर्थ के अंदर कोई चीज प्योर थोड़ी ना मिलेगी आपको कि भाई गोल्ड गोल्ड मिल गया, सिल्वर सिल्वर मिल गया, कोल कोल मिल गया। हाँ पेट्रोलियम ड्रिलिंग से मिलता है हमें, यस पेट्रोलियम ड्रिलिंग से मिलता है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो 2800 टाइप के मिनरल अभी तक ढूंढे जा चुके हैं और जिसमें से 100 और मिनरल हैं जो कि मिक्स होकर निकलते हैं, जो कि मिक्स होकर निकलते हैं वो ज्यादातर ये हैं और मिनरल। फिर आप इनको साफ कर लोगे तो इनकी क्वालिटी अलग अलग हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, सोयल इरोजन होता है माइनिंग से, यस सोयल इरोजन माइनिंग से होता है, मिट्टी का अपरदन माइनिंग से होता है। अब देखिए अगला टॉपिक, ठीक है इतना समझ में आ गया सभी को, माइनिंग ड्रिलिंग क्वेरिंग समझ में आ गई है ना अच्छे से, बिल्कुल। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, पूरे संसार भर में मिनरल कहाँ कहाँ मिलते हैं। बिल्कुल पूरे संसार में मिनरल कहाँ मिलते हैं भाई, एशिया में मिलते हैं, यूरोप में मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, साउथ अमेरिका में मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और एंटार्क्टिका। देखो सारा कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। चलो बारी बारी पढ़ते हैं, एशिया को समझते भी, एशिया में कहां पर क्या मिलता है, ठीक है, क्योंकि एनटीएससी में क्वेश्चन आएंगे, ये एनटीएससी में क्वेश्चन आएंगे भी कौन सी जगह पर आयरन डिपॉजिट ज्यादा मिलता है, एशिया में वो कौन से कंट्री जिसके अंदर आयरन डिपॉजिट ज्यादा मिलता है, तो बिल्कुल सिंपल आंसर चाइना और इंडिया, चाइना और इंडिया। क्या मिलता है, आयरन डिपॉजिट, आयरन लोहा बहुत मिलता है यहाँ पे, ठीक है, और इसके अलावा टीन भी बहुत मिलती है, टीन यानी कि आयरन के अंदर टीन मिलाई जाती है ना तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, टीन, ठीक है टीन, तो टीन कहाँ मिलती है, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया। देखो मैंने शॉर्ट कट में इंडो लिखा है, इंडो, इंडो का मतलब इंडोनेशिया। देखो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया, पूरे संसार की हाफ से भी ज्यादा टीन, टीन निकाली जाती है वहां से, मतलब आयरन मिक्स होता है, मतलब टीन को यूज करते हैं आयरन जैसे वर्क के लिए, चद्दरे बना लेते हैं, लोहे की टीन बना लेते हैं, देखा हो ना फिर टीन, तो वो सब। तो एशिया में चाइना और इंडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, आयरन डिपॉजिट और टीन बहुत मिलता है, ठीक है। अब यूरोप की बात करते हैं, यूरोप और रशिया, रशिया और यूरोप में भी बहुत निकलता है चीजें, क्या कहां कहां क्या क्या निकलता है, निकल निकलता है, कॉपर निकलता है, लीड, लीड माने सीसा, सीसा, लीड माने सीसा, निकिल, निकिल, कॉपर, लीड, जिंक और मैग्नीज, ये सारी चीजें कहां से निकलती है, यूरोप और रशिया से। कौन कौन से कंट्री मेन है, रशिया हो गया, रशिया के नजदीक का यूक्रेन हो गया जो कि यूरोप में है, और इसके अलावा स्वीडन हो गया और फ्रांस हो गया, ये सब यूरोप के कंट्री हैं। कौन, स्वीडन और फ्रांस,
और यूक्रेन, ये यूरेशिया की कंट्री है और फ्रांस और स्वीडन तो यूरोप का कंट्री है, ठीक है। तो यूरोप और रशिया सब में आ गया, कहां कहां क्या क्या निकलता है, निकिल, कॉपर, लीड, जिंक और मैंगनीज निकलता है यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस और रशिया में, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस और रशिया में निकलता है, ओके। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं, थर्ड नंबर पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कहां कहां निकलता है, देखो मैं लिखा हुआ तीन, दो एरिया, कैनेडियन रीजन और अपलाशियन रीजन, ये कैनेडियन रीजन और अपलाशियन, ये माउंटेन रेंज है बेटा, अपलाशियन वहां पे माउंटेन है, अपलाशियन, तो अपलाशियन रेंज और कनाडा, कनाडा का जो एरिया पड़ता है कनाडा, वहां पर बहुत सारा निकलता है, क्या निकलता है, आयरन, निकिल, गोल्ड, कोल और गोल्ड, ठीक है, आयरन, निकिल, गोल्ड, कोल, यहां बहुत निकलता है। अमेरिका तो, अमेरिका का तो शहर जो है ना अल्डोराडो, वो तो गोल्ड के लिए बहुत फेमस है, अल्डोराडो अमेरिका का सबसे फेमस शहर है, उसका नाम है अल्डोराडो, वहां गोल्ड बहुत निकलता है, बहुत ज्यादा गोल्ड निकलता है। तो अमेरिका में कौन सी जगह होगी, कैनेडियन और अपलाशियन, उसमें बहुत सारा गोल्ड निकलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगला, यानी कि साउथ अमेरिका, कौन सा, साउथ अमेरिका, आप देख सकते हो उधर लिखा हुआ लास्ट में कॉर्नर में, आप देख सकते हो साउथ अमेरिका, यस, साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्री आ गए, ब्राजील, कौन कौन सी आ गए, ब्राजील, चिली, चिली के बाद पेरू, ब्राजील, चिली, पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, देखो ध्यान दो एक बार कौन कौन सी कंट्री है, ब्राजील, चिले, पेरू, ठीक है, बोलीविया, वेनेजुएला और अर्जेंटीना, ये कंट्री हैं, यस। हाँ जी, इंडिया में जोहान्सबर्ग, नहीं नहीं इंडिया में जोहान्सबर्ग है ही नहीं बेटा, जोहान्सबर्ग तो साउथ अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग तो साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। तो देखिये ब्राजील में क्या निकलता है, साउथ अमेरिका के ब्राजील में आयरन ओर, बहुत सारा लोहा निकलता है। चिले और पेरू में क्या निकलता है, कॉपर बहुत बड़े लेवल पे निकलता है चिली और पेरू में। उसके बाद ब्राजील और बोलीविया में क्या निकलता है, टीन बहुत ज्यादा निकलता है, और गोल्ड, सिल्वर, जिंक और माइका, ये वेनेजुएला और अर्जेंटीना में बहुत निकलता है। मैंने लिखा हुआ सारा कुछ, कौन सा कहां पर निकलता है, तो लिखा हुआ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, ये वेनेजुएला और अर्जेंटीना में बहुत निकलता है, ठीक है। अब बात करते हैं अफ्रीका की, कौन से कंट्री की, कौन से कॉन्टिनेंट की, अफ्रीका की, यस, हाँ बिल्कुल, गोल्ड हमारे कोलार माइन कर्नाटका में, यस, गोला जो हमारी कोलार माइन है कर्नाटका की, वहां से गोल्ड बहुत निकलता है, यस, बिल्कुल सही बात है मिलिंद, शाबाश। तो देखिए अफ्रीका से क्या निकलता है, डायमंड बहुत निकलता है भाई। अफ्रीका की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अफ्रीका में डायमंड बहुत है, डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम, क्या क्या है, डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम, अफ्रीका में बहुत निकलता है, वहां पर तो बड़ी बड़ी माइंस बनाई गई इनको निकालने के लिए, ठीक है। तो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में और जिम्बाब्वे, ठीक है, जायरे में गोल्ड बहुत निकलता है, देखो ये दिखा हुआ है साउथ अफ्रीका में निकलता है, जोहान्सबर्ग अभी बताया था, जैसे एक बच्चे ने बताया था मुझे जोहान्सबर्ग, लेकिन वो इंडिया में नहीं है, साउथ अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग और जिम्बाब्वे और जायरे, यस, हाँ जी हाँ जी, लेफ्ट मीटिंग, अच्छा, और जिम्बाब्वे, ठीक है, तो जायरे, जिम्बाब्वे से गोल्ड निकलता है, ओके। और अब उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में दो जगह है सबसे फेमस, यस, सबसे फेमस है बुरली और कुलगाड़ी, कालबुरली और कुलगाड़ी, ये दो एरिया पड़ता है। और फिर लास्ट में एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में आयरन ओर और गोल्ड बहुत निकलता है, आयरन ओर और गोल्ड बहुत निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझ लिया आज मिनरल का पार्ट, ठीक है, आज हम मिनरल मिनरल ही करेंगे केवल, और पावर रिसोर्स कल करेंगे फिर, ठीक है, पावर रिसोर्स के बारे में फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से, सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। इस तरह से आपने देखा कि ये पूरी जो हमने हाफ पार्ट कर लिया मिनरल्स का, किसका, मिनरल का और पावर रिसोर्स का, हमने ये कर लिया, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें सारे कंट्री हमने समझ ली कि कहां कहां पर क्या क्या है, और माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग के बारे में हमने नॉलेज इकट्ठी की, ठीक है। और मिनरल कितने टाइप के होते हैं वो भी हमने समझ लिया, मतलब कि मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।